हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में कि अगर आप अभी तक 55% का ही सिर्फ लक्ष्य बनाए हो, टारगेट बनाए हैं, तो आप किस तरह अपने 55% से 95% बनाने का लक्ष्य बनाने का आप किस तरह किस टॉपिक को तैयार करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपको क्या करना है कि आपकी जो टारगेट है, गोल है, ड्रीम है 55% से 95% बोर्ड एग्ज़ाम में लाने का कैसे हो सकता है, अर्थात जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बनेंगे, आज के इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में बिल्कुल बारीकी से आपको एक एक पास समझाएंगे क्या आपको करना है, कैसे स्टडी करनी है। यहाँ पे 100% पक्का गारंटी है, अगर आप जैसे हम बताएंगे अगर आप ऐसे स्टडी करोगे तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छे गुड मार्क्स लाएंगे और एक टॉपर स्टूडेंट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए और भी हमारे ट्रिक और टिप्स रहे हैं, जिससे कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, इतने समय आपके निकल चुके हैं और आपके पास बहुत ही मैन्यूट समय बचे हुए हैं जिसमें से कि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े, समय निकल गया, अब उसको दोबारा नहीं याद किया जा सकता, ठीक है। अब जो आपके पास समय है आपको उसमें मेंटेन करना है कि किस तरह आप अपने छोटे से मैन्यूट समय में किस तरह आप अपने आप को मेंटेन करोगे और किस तरह आप 55% के जो टारगेट है उसे 95% पूरा करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी कैसे टॉप करोगे, है यार कोई जादुई टिप्स है, ठीक है, वो कोई जादुई टिप्स जादू मंत्र नहीं हम बताएंगे, आपको पढ़ने के लिए बताएंगे किस तरह आपको कैसे पढ़ना है कि आप टॉप बनोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिक और ट्रिप्स रहा कि टॉपर बनने के लिए क्या करें, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, आपको किस तरह पढ़ना है कि आप एक अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो यहाँ पे जो ट्रिक और ट्रिप्स हमारे रहे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी पहली ट्रिक और ट्रिप्स रहा वो रहा कि बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप टॉप करना चाहते हो, यानी कि अगर आप टॉप करना चाहते हो, बिल्कुल आपकी जिद है, आपको ये तय है कि आप टॉप करना चाहते हो, ये नहीं कि आप सिर्फ सपना देख रहे हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लाए हो कि नहीं मैं भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकता हूँ, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इतनी मोटिवेट हो जाओगे ना कि अपने आप आपके अंदर वो एनर्जी जनरेट हो जाएगी, आप एक्साइटेड हो जाओगे कि अपने आप अपनी स्टडी एक गुड तरीके से शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप टॉप करना चाहते हो, अगर आप एग्ज़ाम में अपनी औकात दिखाना चाहते हो, ठीक है, अपने दुश्मनों को, अब सभी को, ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, एक अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो अगर आप एग्ज़ाम में अपनी औकात दिखाना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, इतनी मोटिवेट होगी, इतने मोटिवेट कि ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा, अगर आप अभी भी एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हो लेकिन पढ़ने में क्या हो, कमज़ोर, वीक हो, तो किस तरह आप एग्ज़ाम में जब टॉप करने का सपना देखते हो ना, तब एक टॉपर जो होता है वो अपनी नींद त्याग कर पढ़ता है, वो क्या करता है, आप क्या करते हो, अगर आप अभी तक एग्ज़ाम में सिर्फ टॉप करना चाहते हो लेकिन आप पढ़ने में कमज़ोर हो, कोई बात नहीं फिर भी टॉप करोगे, कमज़ोर स्टूडेंट भी टॉप करते हैं, ठीक है, अगर किस तरह करोगे पूरे ट्रिक और ट्रिक्स आपको वीडियो में मिलेंगे। और एक बात ये रहा ना, आप इससे याद रखना कि अगर आप जब आप एग्ज़ाम में जब टॉप करने का स्वप्न देखते हो ना, आपके तरह ही एक टॉपर स्टूडेंट भी होता है, ठीक है, वो कहीं भगवान किसी भगवान पे से नहीं उतरता, उसे ही माँ ही जन्म देती है, ठीक है, तो आप लोग को भी माँ भी जन्म दी है, तो आप लोग भी अपने माँ बाप की रोशन करो, किस तरह आपके माँ बाप आपको किस मुसीबत से पढ़ा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, कोचिंग पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो, वहाँ पढ़ रहे हो, स्मार्टफोन चला रहे हो, कुछ सब चीज़ चला रहे हो और पढ़ाई को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आप भी, आपको भी समय आएगा, आप भी एक दिन सोचोगे, इसलिए आप उससे पहले अगर सोच लेते हो तो बहुत ही अच्छा बात है। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम में जब टॉप करने का स्वप्न देखते हो ना, तो आप ही की तरह एक टॉपर स्टूडेंट होता है जो अपनी नींद को त्याग करके क्या करता है, स्टडी करता है, वो भी तो एक स्टूडेंट ही है, इंसान ही है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, आपको क्या खोना है, तो आप अपनी सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करिए, आपके अंदर जो कमियाँ हैं वही आप के पूरे लाइफ को बर्बाद कर रही है, एक छोटा सा अक्षर है कमियाँ, ठीक है, इतने तीन अक्षर जो है ये आपकी, ये पूरी छोटी सी शब्द पूरे आपके लाइफ को बर्बाद करेगी, आपके पूरे ज़िंदगी को ख़राब कर देगी, सिर्फ ये छोटी सी जो कमियाँ है वो है कमियाँ, कि
क्या है कमियां, आप अपने अंदर की पहले कमियां दूर करिए, फिर उसके बाद आप स्टडी करोगे तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आपके अंदर वो कौन सी कमियां है जो आपके टारगेट को रोक रही है, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए रोक रहे हैं, आपके स्टडी में मन जो लग रहा है उसको रोक रहे हैं, वो कौन सी कमियां आपको दूर करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी कमियों को दूर करो। पहले सबसे पहले जो आपकी कमियाँ हैं वो ज़्यादा आलस करना। आप क्या करते हो, पढ़ाई करते करते ज़्यादा आलस कर लेते हो, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत स्मार्टफोन हो गया, व्हाट्सअप ओपन कर लिए, ठीक है, इंस्टाग्राम ओपन कर लिए, फेसबुक ओपन कर लिए, थोड़ी सी जो टेढ़ी वाली फोटो होती है उसको देख लिए, किस कितना लाइक आया, कितना कमेंट आए हैं, ये सब देख लेते हो। और ज़्यादा आलस यानी कि पढ़ते पढ़ते आप क्या करते हो, थोड़ा सोचते हो कि आराम कर ले, सोच ले, सोचने लगते हो कुछ भी बातें, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करनी। ये कमियां आप अपने अंदर से बिल्कुल हटा दीजिए। अगर हटा दोगे ना तो इस छोटी सी जो कमियां आपकी है अगर इसको दूर कर लोगे ना तो आपकी इस 18 साल की उम्र आपको पूरे 100 साल जितने साल आप जियोगे, भाई कितने साल जियोगे ये तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप 100 साल जियोगे तो पूरी 100 साल लाइफ आप आराम से ऐश करोगे। इसलिए आप इस 18 साल की उम्र की आप कमियां को अपने दूर कर लीजिए। ज़्यादा आलस करना, ठीक है, इसको आप अपने दिल दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। उसके बाद पढ़ाई को अपनी बोझ समझना। आप देखिए एक बात, ये बहुत ही ज़रूरी बात है और ये अक्सर स्टूडेंट सभी स्टूडेंट यही करते हैं कि जो पढ़ाई होती है वो अपनी एक उसको एक बोझ समझ लेते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि अरे ये करना है, वो करना है, भी सब्जेक्ट पूरा करनी है, भी इंग्लिश लिखनी है, सब चीज़ करनी है, अरे हम कैसे करेंगे, ये क्या हो गया, ये बोझ हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई को अपनी बोझ ना समझे बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी कि एक हिस्सा समझे, एक प्रकार से आप उसको अपनी लाइफ समझें कि नहीं यही मेरी लाइफ है, यही मुझे बना सकती है और यही मेरा बिगाड़ सकता है। तो आप यहाँ पे पढ़ाई को अपनी बोझ नहीं बल्कि अपनी एक लाइफ समझें, अपनी एक ज़रूरी हिस्सा समझें अपने जीवन का, यानी कि इसके बिना आपकी जीवन क्या है, बेकार है। इस तरह आप समझोगे तो आप कभी भी बोझ नहीं समझेंगे अपनी पढ़ाई को। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि नींद आना, पढ़ाई करते समय आपको नींद आना। अक्सर स्टूडेंट के चाहे हम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, हम स्टूडेंट को देखते हैं कि अक्सर उन्हें क्या होता है कि जो भी पढ़ते हैं उनको पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि नींद आने लगती, थोड़ी सी पढ़ते हैं और ज़्यादा सोते। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ऐसा कब होता है, जब आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपके दिमाग कहीं और रहते हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते रहते हो, किसी और के बारे में सोचते हो, किसी फ्रेंड्स के बारे में, हाँ हाँ वो कैसे समोसा खा रहा था ना और वो कैसे आइसक्रीम खा रही थी, ये सब आप लोग सोचते हो ना, हाँ हाँ वहाँ पर ये वो स्कूल में कैसे मरा गया क्लास में, यही सब आप लोग सोचते हो, उसको कैसे टीचर मारा, फिर वहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, वहाँ पे हमने पार्टी मनाया था, कैसे मनाया था, ये सब आप लोग सोचते हो, ठीक है। और कुछ आलसपन आपके अंदर आ जाती है जिससे कि आपको क्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और आपको नींद आने लगती है। तो आप क्या करते हो कि आप तुरंत ही, ये नहीं कि कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं सोना है, नहीं, आप तुरंत सो जाते हो। तो यहाँ पे नींद आना, पढ़ाई करते समय आपकी नींद आने की ये सबसे बेकार कमियाँ है आपकी सब, ठीक है, ये आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगी, इसलिए आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 घंटा आप पढ़े, उसके लिए आपको फिर उसके बाद आपको थोड़ी बहुत रेस्ट ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ थोड़ी बहुत अगर रेस्ट कर लोगे आप ना तो जितनी 2 घंटे पढ़ने में आप अपनी एनर्जी को व्यय किए हो वो आपके पास अगेन जनरेट हो जाता है। इसलिए आप थोड़ी बहुत अगर 2 घंटे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो फिर उसके बाद आप क्या करो कि आप 10-5 मिनट आराम कर सकते हो, नींद ले सकते हैं। अगर आप खाना खाकर अगर आप पढ़ने बैठे तो ये नहीं कि आप कुछ नहीं खाएंगे पढ़ाई करते समय, ठीक है, कुछ चिप्स वगैरह या कोई भी दाना वगैरह हो गया जो झालन मुड़ी होते वो सब आप रखकर थोड़ा बहुत अपने मुंह में डाल सकते हो और खा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नींद आती होगी ना तो आप क्या करिए, उठिए, थोड़ा बहुत आप अपने पास दाना वगैरह रखिए, उसको खा लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर सुबह का टाइम है, भोर का टाइम है, अगर आपकी नींद नहीं टूट रही है, ठीक है, तो वो आप क्या करो कि उठो, थोड़ा बहुत आपके पास बाल रखे होंगे, गेंदा, ठीक है, गेंद बॉल, तो उसको आप थोड़ा बहुत छटका लीजिए, ठीक है, नीचे जो होता है पलस्तर वगैरह उस पर आप छटका लीजिए फर्श पे, या थोड़ी बहुत खेल लीजिए, या कोई भी मोटिवेशनल स्मार्टफोन में अपनी वीडियो देख लीजिए जिससे आपके इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं और आपके मन लग जाते हैं। तो आपको ऐसा कर लेना और नींद बिल्कुल आने नहीं देना है, ठीक है। आप ज़्यादा मत सोइए, बहुत ही कम सोइए, क्योंकि अगर आप पढ़ लिए ना, अगर आप कुछ बन गए ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग कुछ भी बन गए, अब हम देखिए आप लोगों के लिए ही कह रहे, अपने लिए नहीं कह रहे, मेरा जो लाइफ है वो है,
आप हम देखिए आप सभी लोगों के लिए आपकी लाइफ के लिए कह रहे हैं, आप लोगों के लिए मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे आप लोगों से क्या फ़ायदा, आप लोग मुझे पैसे देते हो नहीं देते हो, मुझे एक भी रुपये आप लोगों से नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं जो मेरी एक टारगेट है कि हम एक स्टूडेंट को अपने से अच्छे, देखिए जो टीचर होता है ना वो अपने एक ही जगह रह जाता है लेकिन अपने स्टूडेंट को सोचता है कि वो पूरे आसमान तक जाए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब कि वो आगे बढ़े, तो यहाँ पे यही एक टीचर की सोच होती है। तो यहाँ पे नींद आना आप ऐसा मत करो। और उसके बाद नेक्स्ट, गलत या फालतू की बातें ना सोचो। आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो ना, कोई भी सब्जेक्ट आप अगर जब भी पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो अपनी दिमाग जो है एकाग्र करके बैठिए, ठीक है, कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे पढ़नी है, और एक टारगेट बनाइए कि नहीं आज मुझे ये चैप्टर पूरे के पूरे क्या कर देने, ख़त्म कर देने, यानी पढ़ लेने हैं। और ये नहीं कि सिर्फ रट लेने, उसको समझ कर अच्छे से पढ़ने कि नहीं ये मुझे ऐसे पढ़ने जैसे आपके कल के, आपको स्टडी ऐसी करनी है जैसे आपके कल ही बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। इस तरह आप अगर स्टडी करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, 100% फुल गारंटी है मेरी, क्योंकि हमें टॉपर स्टूडेंट है, एज ए टॉपर। आप हमारे टॉपर की वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, गलत और फालतू की बातें अगर आप सोचोगे तो आप जो पढ़ोगे वो भी नहीं याद होगा और आपके 2 घंटे की समय भी बेकार चली जाएगी। इसलिए आपको गलत और फालतू की बातें को बिल्कुल नहीं सोचना है स्टडी करते समय। फिर उसके बाद नेक्स्ट, याद करने का बार बार कोशिश ना करना। आपके अंदर की जो कमियाँ होती है ना, वो क्या है कि आप क्या करते हो कि अगर आपको कोई भी चीज़ बहुत ही सॉलिड लगता है, बहुत ही कठिन लगता है, तो आप क्या करते हो कि याद करते हो, ठीक है, एक बार किए नहीं याद हुआ उसे छोड़ देते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, याद करने का बार बार कोशिश ना करना, यानी आपको ये नहीं करना है, आपको बार बार कोशिश करना है। एक बार नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, अब 2 बार याद करो, 2 बार नहीं याद हो रहा है 3 बार याद करो, लेकिन उसको आप टारगेट रखिए कि नहीं मुझे ये याद करना है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप इस तरह अगर स्टडी करोगे तो एक अच्छे मार्क्स लाओगे। अगर आप अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने की सपना ही सिर्फ देख रहे हैं ना, तो आप इसको भूल जाइए। आप जिद बना लीजिए अपने अंदर कि नहीं मुझे टॉप करना है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता धरती पर, अगर हम इतना तैयार कर लिए तब। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो ट्रिक है टॉपर बनने के लिए, चाहे कुछ भी हो मुझे सुबह उठकर पढ़ना है। देखिए, जो आपके सुबह के 2 घंटे की स्टडी होती है ना, 2 घंटे की जो भोर की पढ़ाई होती है, वो दिन के 8 घंटे से बेहतर होती है, जैसा कि हम ऑलवेज ये कहते रहते हैं। टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपको कितनी भी आलस आती हो, आपको ठंडी क्यों नहीं लगती हो, आप रजाई, ठंडे की अब मौसम आ गई है, ठीक है, जाड़े की मौसम आ गई है, आप लोग स्वेटर पहन लीजिए, रजाई ओढ़ लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए अच्छे से, बिल्कुल उसी में छिप जाइए, ठीक है, छिप कर अच्छे से स्टडी करिए। ये नहीं कि हम कर दिए तो रजाई और गद्दे में छिप करके स्मार्टफोन चलाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। टॉपर बनने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सुबह ज़रूर पढ़ना है, कहीं भी कैसे भी समय निकालना है, लेकिन सुबह ज़रूर पढ़ना है, और एक बेस्ट टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है। और देखिए, यहाँ पे मेन जो बात है वो हैड राइटिंग। अगर अभी तक आपकी हेड राइटिंग जो है वो थोड़ी पुअर है, तो आपको क्या करना है कि उसको सुधार करना है। सुधार कैसे करोगे, आपको, आप तो जिद कर लियो कि नहीं मेरी हेड राइटिंग इसी तरह रहेगी, सुधार ही नहीं होगी कभी, होगी, ज़रूर होगी। आप डेली क्या करो कि अगर मेरी ही कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आप तुरंत उसको नोट्स पे लिख लीजिए अच्छे राइटिंग में, ठीक है, लिखोगे तो आपकी राइटिंग भी बेहतर होगी और आपके जो लिखने की प्रैक्टिस है वो ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आप हेड राइटिंग को आप सुधारिए, एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसको आप राइट करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि सभी सब्जेक्ट का सुंदर एवं साफ साफ नोट्स जरूर बनाओ। आप लोग जैसे मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कोई की भी वीडियो देख रहे हैं, या आप किसी जगह से आप स्टडी कर रहे हो, कोचिंग सेंटर से क्यों ना कर रहे हो, कहीं से भी स्टडी आप लोग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट का सुंदर एवं साफ नोट्स बनाना है, ठीक है। आपको उस पर अच्छे से हेड राइटिंग में लिखना है कि नहीं मुझे इस कॉपी पर, अगर हम इस नोट्स पर लिख रहे हैं तो मुझे पुअर राइटिंग में बिल्कुल नहीं लिखनी है, एक अच्छे और साफ राइटिंग में लिखनी है। तो यहाँ पे इस तरह आप लिखोगे, बोर्ड एग्ज़ाम के समय आप जो आप नोट्स बनाए हो अपने शब्दों में, जिसको आप लिखे हो उसको आप रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। आप ये मत करना कि आप अपने शब्दों में नोट्स बनाए हुए और पढ़ने लगे किसी और का, आपको ऐसा नहीं करना। आप जो भी नोट्स बना रहे उसी से आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। अपने जो भी आप मेरे जैसे वीडियो देख रहे हो, उसके बाद मेरे वीडियो देखने के बाद आप अपने शब्दों में अपने नोट्स में लिखिए, अगर उसको आप पढ़ोगे ना तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स लाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट जो रहा, जिस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन बैंक में अगर आप नहीं लिए हो तो ले लीजिए। जिस चैप्टर है उससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, उसे आपको क्या करना है, ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा ध्यान देना है उसको। आपको आप किसी भी लेसन पे, ठीक है, पार्ट पे आप अगर बहुत ही कम समय दे रहे हो, यानी कि आप किसी भी लेसन में एक घंटा समय दे रहे हो, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, उसको क्या करिए, आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, यानी कि उसको दो घंटे की समय दीजिए, लेकिन उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट रहा कि क्वेश्चन बैंक सभी सब्जेक्ट का ज़रूर सॉल्व करें। आप लोग क्या करो कि आप लोग देखिए, इस समय आपके स्कूल में भी समय बहुत कम है, ठीक है, इस समय तो आप लोग क्या करो कि आपके पास समय भी बहुत मैन्यूट है, तो आप क्या करिए कि एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, अच्छे से विद्या क्वेश्चन बैंक या कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, और क्वेश्चन बैंक सभी सब्जेक्ट का ज़रूर आप ले लो, और उसको आप क्या करिए कि आप एक टारगेट बना कर लीजिए। आप देखने के लिए मत लीजिए कि हाँ इस पर क्वेश्चन बैंक लिखा है और इस पर इतना साल का लिखा है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको एक एक चैप्टर डेली पढ़ना है एक टारगेट बनाकर, ठीक है। आप यूँ ही समझिए कि नहीं मुझे एक चैप्टर जरूर करना है, नहीं तो सोनम मैम मुझे बहुत मारेंगी, ये सोच लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ ऐसा करिएगा कि नहीं मुझे कल सोनम मैम को ये दिखाना है कि नहीं एक चैप्टर मैंने मैम पूरा कर लिया। हम देखेंगे कमेंट में कि कौन कौन करता है कि नहीं मैम हम एक चैप्टर आज पूरा पढ़ लिए। तो क्वेश्चन बैंक आपको सभी सब्जेक्ट का ज़रूर पढ़ना है चैप्टर वाइज, एक चैप्टर आप डेली करना है। फिर नेक्स्ट जो रहा वो कौन सा टॉपिक रहा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर और जो प्रीवियस पेपर होता है उसको सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरह टाइम को मेजरमेंट करें, किस तरह मेंटेन करें, और आपको किस क्वेश्चन पे कितना समय देना है। क्योंकि ये नहीं कि आपको दो नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया तो उसको आप क्या करने लगे कि बिल्कुल भरने लगे, एक ही पेज भर दिए कि नहीं नहीं ज़्यादा हम लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी क्वेश्चन है उसके आगे आपके टाइम उस पर मेजरमेंट है, यानी इतने समय आपको मिला है और आपको दो नंबर का है, इसलिए आपको सिर्फ दो लाइन लिखना है, और आप अगर दो लाइन लिखोगे फिर भी दो नंबर मिलेगा, अगर दस पेज लिखोगे ना, चार पेज लिखोगे ना, तो टीचर को भी ये कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिर इसमें लग रहा है कि इसको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता नहीं है तभी ये ऐसा कर रहा है। नहीं तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं पता है तो आप दो लाइन का अगर क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आंसर उसका लिखना है तो आप तीन लाइन लिख सकते हो, जिससे कि टीचर आपको नंबर दे देंगे। ये नहीं करना है कि आपको एक पेज लिख देना है। तो आप अगर मॉडल पेपर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके जो प्रैक्टिस है, ठीक है, वो अच्छा हो जाएगा, गुड हो जाएगा, आपकी लिखने की हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, और आपके जो टाइम है किस तरह आप मैनेजरमेंट करके, किस तरह आप कितने समय दे रहे हैं किस क्वेश्चन पे, 3 घंटे 15 मिनट आप किस प्रकार अपने पूरे पेपर कर लेते हो, इन सभी का ज्ञान और प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। इसलिए आपको ये ज़रूर करना है। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक और ट्रिक और ट्रिक्स, इतने ट्रिक और ट्रिक्स हम आपको बताएं। अगर आप इतना कर लिए ना, मैंने जितना बताया, अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझे होंगे, पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखे होंगे, तो ये जो मेरी बात है वो आपके दिमाग में बिल्कुल गूंज रही होगी, पिंच कर रही होगी, ठीक है, और आग की तरफ बिल्कुल बढ़ रहा होगा कि नहीं मुझे ये करना है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कर लिए ना, तो आपको मैं 100% पूरी फुल गारंटी देती हूँ कि आपको कभी भी कोई 55% से, जो आप 55% की सोच रखे हो ना, वो आपकी एकाएक 95% हो जाएगी, और आप 55% की सोच बिल्कुल नहीं, आपकी 95% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो भी टॉप करेंगे अगर इस तरह आप पढ़ते हो ना। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।